बंद का आह्वान किया था। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर प्रदेश में सब कुछ बंद करने के लिए कांग्रेस सुबह 10 बजे से मार्केट में घूम घूम कर व्यापारियों से अपनी दुकान बंद करने को कहती नजर आई। बता दें कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत से जनता परेशान हो रही है। सरकार जनता को राहत पहुंचाने के बजाय टैक्स लगाने में लगी हुई है। खबर अशोकनगर से है।